डर सा लग रहा है क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि उस वक्त जो पिक्चर चली थी उसकी जो होलसम एंटरटेनर होती थी जिसमें एक डिसबिलीफ की कहानी थी रीइनकार्नेशन पे कि माँ कहती कि मेरे बेटे आएंगे और वो आते हैं। आज की जनरेशन वो चीज़ को बिलीव करती है कि नहीं करती है? आज की जनरेशन जो है हाउ विल दे गोइंग टू टेक इट? आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग दैट। अगर उन्होंने उनको पसंद आई है पिक्चर तो मतलब यह है कि जनरेशन चेंज नहीं हुई है। हम फिल्म मेकर्स कुछ सोचते हैं कि जनरेशन चेंज हुई है, और अगर पिक्चर कामयाब नहीं होती है, अच्छी नहीं लगती लोगों को, तो ऐसा लगेगा कि भाई जनरेशन है चेंज। मैं मेम्स देखता हूँ कि मेरे कर्म अर्जुन आएंगे, भाग अर्जुन भाग, ठाकुर तो गए हो, बड़ा जोक, ये सब चलते रहते हैं। अच्छा ही है क्योंकि लोग के मेमोरी में वो अभी भी तक फ्रेश है। 30 साल पुरानी बातें, 30 साल पुराने डायलॉग्स, 30 साल पुराने कैरेक्टर्स, तो अच्छा लगता है सुनने में। आज की जनरेशन को क्या बोलेंगे आपके, क्यों देखने जाएं करण अर्जुन? इट्स अ होलसम फिल्म जिसमें गाने भी हैं, जिसमें एक्शन भी है, जिसमें कॉमेडी भी है, जिसमें इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, तो वो जाके देखे कि वह होलसम फिल्म किस तरह बनती थी एक नई कहानी को लेकर। क्या हम आपको भविष्य में कभी कोई एक्टिंग करते देखेंगे? जरूर, कोई अगर मुझे लेगा तो मैं करूंगा एक्टिंग, लेकिन मैं अपने आप अपने पिक्चर में खुद को नहीं लूंगा क्योंकि मैं एज ए प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर बहुत जिम्मेदारी होती है, तो कैमरा के सामने भी रहूं और फिर प्रोडक्शन भी संभालूं और डायरेक्शन भी संभालूं, तीन चीजें होगी नहीं मुझसे। कोई ऐसा किस्सा जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो, आपको भी याद रह गया हो? नहीं, ये पूरी पिक्चर ही मेरे लिए बहुत मुश्किल पिक्चर थी क्योंकि मुझे ऑडियंस को कन्विंस करना था जो कहानी मैं बता रहा हूँ कि एक माँ कहती कि मेरे दो बेटे आएंगे और वो कैसे आते हैं, तो वो वही बहुत मुश्किल काम है। यकीन दिलाना कि एक माँ ने कहा कि मेरे दो बच्चे हैं, दो बेटे आएंगे, वो कहाँ पैदा होते हैं, वो कैसे मिलते हैं और कैसे माँ के पास आते हैं, और इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी। से बात करने के लिए शुक्रिया।